सोलन की बहुचर्चित मानव भारती यूनिवर्सिटी ने डिग्री फर्जीवाड़े से अरबों रुपए तो कमा लिए, लेकिन छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र कहाँ जाएं, किसके साथ अपना दुखड़ा रोए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वे शासन और प्रशासन सभी के आंकड़े सैकड़ों बार अपने भविष्य की दुहाई दे चुके हैं, लेकिन किसी का भी मन उनके आगे नहीं पसीजा है। यही वजह है कि छात्र मीडिया के समक्ष आकर अपनी आवाज उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। जो अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं, एक तो उनके माथे पर मानव भारती के फर्जीवाड़े का टैग तो लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें डिग्री अभी तक नहीं दी जा रही है, जिसके चलते युवा विद्यार्थी बेहद परेशान, चिंतित और शर्मसार हैं। ये सुनहरे भविष्य की तलाश में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर केवल अंधेरा ही मिला है। यहाँ से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों का कहना है कि जब से यूनिवर्सिटी का मामला लोगों के सामने आया है और पुलिस ने मामला दर्ज किया है, तब से वे हर शासन प्रशासन के पास चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। उन्हें केवल लेटर हेड पर पास आउट का सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन डिग्री और आवश्यक दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से ना तो वे कहीं नौकरी पा सकते हैं और ना ही आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ लगभग 1000 ऐसे छात्र हैं जो इस फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। पिछले लगभग 1.5 सालों से कई अधिकारियों के अलावा वे मुख्यमंत्री तक को अपनी समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई भी फायदा उन्हें नहीं मिला है। सर, एक्चुअली जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में तो हम लोग अवेयर है नहीं है। वी आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मानव भारती यूनिवर्सिटी। इसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। हम कई अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को मेल्स के थ्रू, ट्वीट्स के थ्रू और फिजिकली प्रेजेंस के थ्रू मिल चुके हैं। जैसे कि हमें हर जगह से यही रिस्पांस मिलते आया है कि द मैटर इज़ पेंडिंग इन द कोर्ट, तो आप लोगों को कोर्ट से ही कोई भी रिलीफ मिलेगा। तो हम आज आपके माध्यम से यही मांग करना चाहते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी प्रदेश में, देश में एडमिशन के लिए जाता है, तो वहाँ की रेगुलेटरी कमीशन के थ्रू जो भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें एडमिशन वो लेता है। उसे नहीं पता होता इधर ये कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कुछ गलत है या कुछ सही है। हम लोगों ने एज ए जेन्युइन स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लिया, कंटिन्यू क्लासेस लगा के अपनी डिग्रीज को कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीशन हमें अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। कई स्टूडेंट उस चक्कर में डिप्रेशन में हैं, कई लोगों ने एजुकेशन लोन लेके स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। हर किसी की एक्सेप्टेशंस होती हैं फैमिली की कि मेरा बेटा बड़ा होकर एडवोकेट बनेगा या आगे कंटिन्यू करेगा। एक फैमिलीज की, नियर एंड डियर्स की एक्सेप्टेशंस होती है, जो हमारे अभी सब फ्यूचर अधर में है। कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, फर्दर किसी ने करियर अपना स्टार्ट करना है वो नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार से एक मांग करना चाहूँगा कि जब ये फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, खुलासा होने के बाद जब खुलासा हो चुका था, तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर सर को अपॉइंट किया। हम उसके लिए वेरी थैंकफुल है, वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर सर को अपॉइंट किया एंड दे आर कंडक्टिंग आवर ऑनलाइन क्लासेस। उन्होंने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ली, हमारे सेशनल एग्जाम्स लिए, हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाए। उसके बाद हमारा रिजल्ट इशू हुआ एंड आफ्टर इशू ऑफ द रिजल्ट हमें आगे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं? हमें आगे फर्दर कंटिन्यू स्टडीज़ करनी है, अपना करियर स्टार्ट करना है। सपोज करो लोग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम अटैम्प्ट देना है, हमारा तो डे बाई डे नुकसान हो रहा है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को मिले, हम एडमिनिस्ट्रेटर सर को कई बार मिले, हम DC सर को कई बार मिले, हम CM सर को हमने कई मेल्स करी, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, कहीं से भी हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। मिला तो सिर्फ ये मिला कि एक लेटर हेड के ऊपर हमारा रिजल्ट मिला कि डैड यू आर पास आउट फ्रॉम मानव भारती यूनिवर्सिटी एंड यू आर ऑब्टेन सो एंड सो मार्क्स। उसके अलावा और कुछ नहीं मिला। हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं स्टार्टिंग से, बट ये है कि हमारी आवाज़ को सही तरीके से सुना नहीं जा रहा, जिस वजह से हमने आपके माध्यम को आज चुना। विषय में सर, अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हमारे लिए कुछ नहीं सोचती हैं तो हम भूख हड़ताल वगैरह करेंगे, और जो भी अप्रोप्रिएट, जो भी हमारा जितने भी कंसर्न हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं हमारी एसोसिएशन के, जो भी हमारा वो निर्णय होगा, सर्व निर्णय से हम जो भी काम है वो आगे करेंगे। और हम हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने में, अगर हमारी कोई वेरिफिकेशन करनी है उसको वेरिफिकेशन को ज्वाइन करने में हम लोग रेडी हैं। हम तो ये कहते हैं कि लिटिगेशन के बाद जो 19-20 में 20-21 में पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जिनकी आप लोगों ने अंडर द गाइडलाइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सर आपने अपनी क्लासेस कंटिन्यू करी हैं, उनके रिजल्ट इशू किया, एटलीस्ट उनके तो डॉक्यूमेंट्स रिलीव करें। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात आई है, वो 17-20 और 20-21 के बैचेज में अप्रॉक्सीमेटली 500-600 स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, और एनरोल जो भी कंटिन्यू स्टडीज़ कर रहे हैं वो 300 से 400 होंगे। एटलीस्ट 1000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली हैं जिनके इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने इसकी अभी रिक्वायरमेंट है।